अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो यहाँ पर शुरुआत हो गई है मेरे ब्लॉग की ग्रीन टी के साथ। मॉर्निंग का टाइम है 7 से 8 बजे, तो सोचा एक ग्रीन टी ही पी लूँ क्योंकि बच्चों की आज छुट्टी थी और मेरे पास भी काफ़ी टाइम था अपने लिए स्पेशली, तो सोचा कि कुछ हेल्दी पिया जाए। तो ग्रीन टी मैंने निकाली और एक कप में गर्म पानी लेके और उसमें ये डिप कर दिया इसका ये सैशे, और डिप डिप करके मैं इसको इसका जो जितना भी एक्सट्रैक्ट है वो निकाल रही हूँ और फिर पीऊँगी, इंजॉय करूँगी क्योंकि ग्रीन टी मुझे काफ़ी पसंद है। अच्छा, इसका जो फ्लेवर है वो मिंट फ्लेवर है और ये एलकोजी ग्रीन टी है जो कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मिलती होगी। ये दुबई से जब मेरी नीज़ गई थी भांजी तो वहाँ से वो लेकर आई थी, लेकिन रखे रखे इतना टाइम हो गया कि मुझे याद नहीं रहा प्रेगनेंसी के दौरान वो लेकर आई थी, तो उस टाइम मुझे अलाउ नहीं था ग्रीन टी पीना और डिलीवरी के बाद मैं वैसे ही भूल गई थी कि इसको पिया जाए। लेकिन जब मैं सफाई कर रही थी अपने कैबिनेट्स के तो वहाँ पर ये पैकेट मिला, तो सोचा कि जल्दी जल्दी से यूज़ कर ले जाए इससे पहले कि ये एक्सपायर हो। और दोस्तों, इससे पहले जो क्लिपिंग मैंने दिखाई थी वो एक मज़दूर की थी जो कि घर के सामने हमारे काम कर रहा था। प्लॉट में काफ़ी बड़े बड़े पेड़ पौधे हो गए थे बारिश की वजह से, तो उसकी वो कटिंग कर रहा था और मैंने सोचा कि उसके भी क्लिपिंग ले लूँ। बेचारा मजदूर धूप में खड़ा हुआ काम कर रहा है, तो क्यों ना उसको भी अपने वीडियो में कैप्चर कर लिया जाए। और काफ़ी दिनों से मैं सोची थी अदरक लहसुन का पेस्ट बना कर रखूँ क्योंकि ख़त्म हो चुका था और काफ़ी आसानी हो जाती है अगर इस तरह मैं जार में भर कर रख लेती हूँ या फिर इसके क्यूब्स बना लेती हूँ। तो जब भी मुझे कुछ बनाना होता है तो झटपट से बस अदरक लहसुन का पेस्ट निकाला और बना लेती हूँ मैं कुछ ना कुछ सालन। तैयारी कर रही हूँ बच्चों के लंच बॉक्स की, तो आज इनको मैं दे रही हूँ पिज़्ज़ा। मेरे पास एक ही पिज़्ज़ा था, एक ही पिज़्ज़ा बेस था, तो मैंने सोचा कि एक तरफ तो मैं लगाती हूँ चीज़ी पिज़्ज़ा बना देती हूँ और दूसरी तरफ बनाऊँगी वेज पिज़्ज़ा क्योंकि रीदा मदिया को वेज पिज़्ज़ा पसंद है और अनाया खाती है चीज़ी पिज़्ज़ा। तो मैंने एक ही पिज़्ज़ा में दोनों तरह की डाल दी है स्टफिंग, मतलब स्टफिंग कह लीजिए या फिर टॉपिंग कह लीजिए, और बेक करके दे दिया बच्चों को। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ सेक कबाब, मतलब सेक कबाब तो पहले ही बना लेते, उसे मैं सेक रही हूँ, जस्ट फ्रीज करके रख लिए थे, तो सोचा सेक कबाब दे दूँगी और दे दूँगी पिज़्ज़ा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में डाला है थोड़ा सा ऑयल और उसमें मैं सेक कबाब को हल्का सा शैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं कर रही। और शैलो फ्राई करने के बाद इसे फिर मैं धुआं दूंगी चारकोल का, तो इसलिए मैंने दूसरे चूल्हे पर रख लिया है चारकोल ताकि वो दहक जाए अच्छे से और फिर मैं इसे इसके जो स्मोक है वो सीख कबाब में दूं, क्योंकि मैं फ्रेश बना रही हूँ। हर चीज़ मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी दूँ बच्चों को फ्रेश दूँ, इसी वजह से मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तकरीबन 4 बजे सुबह मैं उठ जाती हूँ नमाज़ वगैरह पढ़ के, कुरान शरीफ से फारिग होकर फिर मैं लग जाती हूँ काम में, यानी कि लंच बॉक्स बनाने में। तो आज मैंने यही सोचा कि इनको फ्रेश पिज़्ज़ा दिया जाए और फ्रेश गर्मा गर्म इनको सीख कबाब दिया जाए, लेकिन होता यह है कि हम दे तो देते हैं 7 बजे तक बच्चों को, लेकिन वो खाते हैं 10 बजे, यानी कि 3 घंटे बाद। तो 3 घंटे बाद भी उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन अगर आप फ्रेश बनाते हैं सुबह तो 3 घंटे में भी बच्चा आराम से खा लेता है, क्योंकि मैंने कुछ माओं को देखा है कि वो रात को बना कर रख लेती हैं, सुबह बस उसे गर्म करा और दे दिया, तो ये सही नहीं है। आप थोड़ी सी कोशिश करके, थोड़ी सी मेहनत करके अपने बच्चों को फ्रेश लंच बॉक्स बनाकर दे सकते हैं अगर आपकी हिम्मत हो और आपके अंदर इतना हौसला हो, इतनी एनर्जी हो, तो ज़रूर करिएगा अपने बच्चों के लिए, क्योंकि अच्छा है उनके पेट में जो भी जाए वो फ्रेश जाए। तो यहाँ पर मैंने तीनों के लंच बॉक्स तैयार कर लिए हैं, साथ में मैंने फ्रूट दिया है इनको आज नाशपाती जो कि मिनी साइज़ के आ जा रही है, पियर्स आ रहे हैं आजकल सीज़न में हैं तो बहुत मीठे निकल रहे हैं, तो बच्चों को तो काफ़ी पसंद है ये नाशपाती छोटी वाली, तो मैं वही अक्सर देती हूँ जब भी हमारे घर में आती है, तो मैं एप्पल के बजाय नाशपाती ही देती हूँ, वो फ्रूट देती हूँ वो जो बच्चे शौक से खाएँ। तो सीख कबाब मैंने कट कर दिए थे और साथ में मैंने रख दिया था टूथपिकर ताकि वो ईज़िली पिक करें और खा लें। और मध्या और रिदा को दिया था वेजिटेबल पिज़्ज़ा और अनाया को चीज़ी पिज़्ज़ा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जब बच्चे स्कूल चले गए थे तो दोपहर में मैंने बनाया था ये फ्राइड स्वीट कॉर्न और बहुत ही मज़े के बने थे। इसकी रेसिपी मैं जल्द ही डालने वाली हूँ, आप ज़रूर देखिएगा और ट्राई कीजिएगा अपने बच्चों के लिए। और जब बच्चे जब स्कूल से आ गए थे तो उनके लंच बॉक्स काफ़ी गंदे थे, तो मैंने इस तरह क्लीन किया, ये इस तरह का जो कैप था इसका लंच बॉक्स का, तो इसमें एक रबर लगी हुई होती है,
अगर आप इस तरह यूज़ करते हैं इस तरह के लंच बॉक्सेस तो यकीनन आपने देखे होगी। तो ये रबर निकाल के हमें क्लीन करना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे इतने गंदे पार्टिकल्स होते हैं खाने के, बचे हुए ना खाने के, जो कि गंदगी फैलाते हैं और जम्स फैलाते हैं। तो जब भी आप देखें कि थोड़ा काला काला होने लगा है ये रबर, तो आप इजीली चाकू की मदद से निकालिए उसके नोक से, और एक आप लीजिए एयरबड, उसको डिप कीजिए आप डिश वॉश लिक्विड में, और जो गैप होता है जिस गैप में ये रबर चढ़ी हुई होती है उस गैप में उस एयरबड को घुसा के, मतलब डीपली आपको इंसर्ट करना है और अच्छे से क्लीन करना है चारों तरफ से, ताकि ये अच्छे से जम्स फ्री हो जाएं और जितना भी इसमें गंदगी है वो साफ़ हो जाए। और आप फिर रनिंग वाटर के साथ इसे क्लीन कर सकते हैं। इसी तरह ये मेरे कंटेनर थे, उसका भी लेट था, काफ़ी गंदा हो रहा था क्योंकि इसमें बटर लगा हुआ था। काम वाली आती हमारी हेल्पर, वो सही से धो नहीं पाती, तो जब मैंने गौर से देखा तो बटर इतना गंदा सा हो रहा था, स्मेल भी आ रही थी। फिर मैंने खुद ही इसे साफ़ किया, क्योंकि लीड अगर उनको दे दो हेल्पर्स को, तो वो इतनी जल्दी करती हैं काम, तो वो गंदगी सही से साफ़ ही नहीं करती। तो इस तरह की जब मुझे दिखता है कि लेट पे कुछ गंदगी लगी हुई है, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, कहने से बजाय ये है कि खुद ही कर लिया जाए। तो मैंने सोचा कि ये टिप अच्छी है, आपके साथ शेयर कर दूँ। और शाम के टाइम में ये प्रोजेक्ट मिला था अनाया को, इनकी टीचर की तरफ से, क्योंकि उनको कुछ ये स्लोगन लगाने थे क्लासरूम में वॉल पर, तो उन्होंने अनाया को ये दिया था काम, क्योंकि इसकी क्राफ्टिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो उसको ये तीन पतंग से, मतलब जो पतंग नुमा, मतलब काइट की शेप में, इसको तीन स्लोगन लिखने थे, जो कि ये तीन तरह के स्लोगन इसने लिखे हैं। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये इसको लेके जाएंगे, अपने टीचर को दिखाएंगी और फीडबैक आके मुझे बताएंगी कि टीचर ने उनसे क्या क्या कहा। और काफ़ी अच्छी इसकी माशाल्लाह कहना चाहिए, ड्राइंग बहुत अच्छी है, स्केचिंग भी बहुत अच्छी है, और क्राफ्टिंग तो बहुत ज़बरदस्त करती है। है बहुत छोटी है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी यंग बच्चे ने काम किया हो। तो बस देखिए आगे क्या होता है, क्या करती हैं, क्या बनती हैं, मुझे तो लगता है कुछ अच्छा ही बनेगी। और फ्रेंड्स, ये डिनर का टाइम में मैंने बनाए थे ये दाल के पराठे, क्योंकि दाल लेफ्ट ओवर दाल थी, मसूर की दाल, उसको ही मैंने आटे में डाल के और उसमें कुछ और चीज़ें मिला के, सब्ज़ियाँ मिला के मैंने ये पराठे बना लिए थे। तीन पराठे मैंने सुबह के लिए रख दिए थे, मतलब पेड़ा बना के, कि सुबह मैं फ्रेश बच्चों को दे दूँगी। अच्छी है, जो मैं आपको लंच बॉक्स बता रही हूँ, लंच बॉक्स आइडिया जो बता रही हूँ, वो नेक्स्ट डे का है। तो नेक्स्ट डे मैंने फिर उनको फ्रेंच फ्राइज दिए थे मकैन के, जो आते हैं पैकेट में, वो दे दिए थे फ्राई करके, और साथ ही मैं ये दाल का पराठा दे दिया था, और अचार और चटनी दे दी थी रीदा मधिया को, और अनाया को साथ में बिस्किट रख दिए थे, क्योंकि आजकल उसकी तबीयत इतनी ख़राब है, तो वो ज़्यादा नहीं खाती है, तो मैं उसको कम ही लंच देती हूँ, क्योंकि गले की वजह से, बलगम की वजह से वो ज़्यादा नहीं खा पाती, बचा कर ले आती है। तो रीदा मधिया को मैंने फुल नाश्ता, सॉरी लंच दिया था, जैसे मैं देती हूँ उसको स्कूल में, और अनाया को मैंने थोड़ा कम दिया था। तो ये दो दिन के मैंने आपको बता दिए लंच बॉक्स आइडिया अपने बच्चों के, और आपको जो भी पसंद है आप ट्राई कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। तो बस यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह के मैं लंच बॉक्स आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।